पांच साल तक अपने क्षेत्र से गायब रहकर पटना में अपनी राजनीति चमकाने वाले नेताओं को क्षेत्र की जनता सवालों की झड़ी लगा रहे हैं। कुछ दिन पहले गिरिराज सिंह को भी एक शख्स ने सवालों की झड़ी लगा दी थी। अब मुंगेर में जनसंपर्क अभियान के दौरान एनडीए प्रत्याशी राजीव रंजन सिंह उर्फ ललन सिंह से नगर निगम क्षेत्र वार्ड 38 मकसासपुर की जनता ने 5 साल के कार्यों का हिसाब मांग लिया। युवाओं ने विरोध में जमकर नारे लगाए। युवाओं के विरोध के आगे एनडीए प्रत्याशी ललन सिंह को उल्टे पांव बैरन लौटना पड़ा। बड़े बेआबरू होकर तेरे कूचे हम निकले, ये मशहूर शेर की लाइन उस वक्त चरितार्थ हो गई जब मुंगेर में एनडीए प्रत्याशी राजीव रंजन सिंह उर्फ ललन सिंह जब जनता से वोट मांगने शहरी क्षेत्र के मकसासपुर वार्ड नंबर 38 पहुंचे। उन्हें वहां जनता की जबरदस्त आक्रोश का सामना करना पड़ा। जनता ने उन्हें चारों तरफ से घेर लिया और उनसे उनके 5 सालों के कार्यकाल का हिसाब मांगा तो वे झल्ला गए और जनता से माइक लेकर जनता को जवाब देने के बजाय वो जनता से हाथ छुड़ाकर चुपचाप चल दिए। आक्रोशित युवाओं की माने तो विगत 15 सालों से वो सौतेला व्यवहार झेल रहे हैं। उनका कहना है कि शाम 7 बजे के बाद कोई टोटो चालक या ऑटो चालक रोड के हालत जर्जर रहने के कारण मंसरी तल्ला से मकसासपुर आना नहीं चाहता है, जिससे मकसासपुर वासियों को काफ़ी परेशानियों का सामना करना पड़ता है। इतना ही नहीं, युवाओं ने कहा ये 5 सालों में पहली बार इस इलाके में आए हैं। देखिए शांति, मेरी नाराजगी ये है, अभी शाम 7 बजे है ना, आप मंसरी तल्ले जाइए व्यक्तिगत तौर से अगर ईमानदारी है तो, और वहाँ से किसी टोटो वाले को बोलिए कि मकसदपुर जाना है या कासिमगंज जाना है, एक आदमी आने के लिए चाहता नहीं है। अगर माँ बहन या लेडीज किसी का प्रेगनेंसी की अवस्था रहा तो इस अवस्था में कैसे लेके जाएंगे सर? ठीक है आप हॉस्पिटल बनाए, सुविधा लाख दे रहे हैं, अरे लेकिन जाने का व्यवस्था नहीं तो लाख सुविधा देने से क्या फायदा? नल जल का योजना, मतलब 15 साल से जिंदल जब से कोरा है यहाँ पे सड़क, तब से अभी तक एक सड़क नहीं बना, लेकिन मकसदपुर छोड़ के मुंगेर का हर कोना में सड़क बन रहा है, क्यों ऐसा? मकसदपुर से भेदभाव क्यों? आप हमेशा मकसदपुर से ही आते हैं वोट लेने के लिए, उसके बाद आते हैं लगता है हम लोग कूड़ा पट्टी में रहते हैं, डोमटोली में रहते हैं, दोबारा आते हैं कि कभी नहीं आए, कभी नहीं दोबारा। कब आए थे? ये इलेक्शन के बाद 20 साल के बाद आए, बस जिस समय इलेक्शन होना था पिछला बार उस समय दुर्गा स्थान में आए थे, अब इस बार काली स्थान में आए हैं। 5 साल के बाद सिर्फ दर्शन देते, ठीक है। पिछले बार जहाँ गए वहाँ मुंह देखा, हमको नीतीश वहाँ जाएंगे नहीं, मोदी से कोई बैन नहीं, लेकिन ललन सिंह आपके सामने सवाल के तो आप तो देखे खुद, सवाल करने में भाग गए भाई भाई, बिना जवाब। सवाल जब किया गया उनसे प्रेम पूर्वक, सवाल किया गया था, किया गया यही कि आप जीतने के बाद दोबारा कब दर्शन दीजिएगा, तो कोई खराब बात कहाँ पूछा? मूलभूत जो सुविधा है आप उसी के बारे में पूछा ना, आपको सांसद हम लोग क्यों सांसद लॉलीपॉप दबाने, बस एकदम बस। हमको तो पिछले 10 साल से जो सुविधा चाहिए आम आदमी को वो तो अभी तक मिला नहीं है। आप सांसद से आपने कुछ सवाल किया तो वो गर्म भी हो गए थे, गुस्सा भी हो गए थे क्या? गुस्सा नहीं हुए लेकिन उस सवाल का जवाब नहीं दिए, क्या कह रहे हैं वो सीधा चले गए सीधे। तो वो हमको नहीं लगता है कि जो, क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम तो अभिषेक कुमार सिंह, बस यही लोकल है, जगह का नाम बताइए, मकसदपुर काली स्थान। सांसद लोग का विरोध, सांसद का विरोध हमने इस मुद्दे पे किया कि जब ये आरजेडी में थे तो जब मुंगेर में मेडिकल कॉलेज की जरूरत थी तो इन्होंने उस समय मेडिकल कॉलेज का विरोध किया था, आज आके अपने नाम पे वाह भाई क्यों लूट रहे फिर कि मेडिकल कॉलेज हमने बनवाया, फिर आप क्यों लूट रहे वाह भाई? और जब इनसे सवाल किया गया कि आप कोरोना के टाइम में क्या बार मुंगेर की जनता को देखने आए, तो कोरोना के बाद आइए देखने, क्यों कोरोना के टाइम में मुंगेर का जनता को आपको जरूरत नहीं था फिर, तो अभी आप वोटिंग वोट का टाइम आया तो आपको जरूरत पड़ने लगा तो आप बीच में आ गए वोट मांगने के लिए, लेकिन जब जरूरत पड़ा तो आप थे ही नहीं साथ में, फिर ऐसा जनप्रतिनिधि को हम लोग चुन के क्यों भेजे? सहारा इंडिया का बैंक का पैसे का मामला आया, क्या कहना था? सहारा इंडिया का तो उसके बारे में हमको नॉलेज है नहीं, ठीक है, हम स्टूडेंट है, स्टूडेंट के लिए लड़ेंगे। इसी बात को लेकर मेरा ये मुद्दा था कि आप जो आप आके जो वाहवाही लूटे अभी कि मेडिकल कॉलेज हमने बनवाया, मेडिकल कॉलेज नीतीश कुमार का देन है, आप जब आरजेडी में थे तो मेडिकल कॉलेज का विरोध आपने ही किया था, यह चीज रिकॉर्ड आप लोग के पास भी होगा, न्यूज में भी आया था, सांसद का जो वादा वो झूठा हुआ था, एकदम झूठा। और आप जब कोरोना वोट बैंक के लिए बस जब तक वोटिंग का माहौल है तभी तक ये लोग नजर आएंगे, उसके बाद अपने अपने स्थान धर लेते। एक तो पहले ये मुकामा के हैं, ये तो मुंगेर आएंगे नहीं, मुंगेर के जनता कोई लेना देना है नहीं, जब से जीत के गए
पहली बार रोड बने हुए। मेरा अनुराग कुमार, विद्यार्थी परिषद, ये मकसदपुर। मुंगेर शहर के हर मोहल्ले में हमने फॉगिंग करवाने का